चलते हैं डिफिनेशन की तरफ। तो फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सब्सटेंस दैट इंटरैक्ट विद द लिविंग सिस्टम थ्रू अ केमिकल प्रोसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सब्सटेंस। फार्माकोलॉजी में हम ऐसे सब्सटेंस को पढ़ेंगे, ऐसे सब्सटेंस को पढ़ेंगे दैट इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम, जो एक लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है। मिसाल के तौर पर ये हम मेरे पास एक लिविंग सिस्टम है, और जब एक सब्सटेंस, ये मेरे साथ मिसाल के तौर पर एक सब्सटेंस है, जब एक सब्सटेंस इस लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है थ्रू केमिकल प्रोसेस, स्पेशली बाय बाइंडिंग टू अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, एक केमिकल प्रोसेस के जरिए बाय बाइंडिंग टू अ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल, जब वो एक रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे रिसेप्टर है। हमारे बॉडी में रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, और नॉर्मली इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स को हम रिसेप्टर कहते हैं। तो जब ये केमिकल सब्सटेंस इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये इसको, इस रिसेप्टर को या तो एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा, या तो इसकी एक्टिवेशन करेगी या इनहिबिशन करेगी। मिसाल के तौर पर मेरे साथ तो एक रिसेप्टर है, निकोटीन रिसेप्टर। हमारे साथ तो मसल्स पे, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ मसल्स है, और इस मसल्स पे हमारे साथ एक स्पेशल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है, एक स्पेशल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है जिसको हम निकोटीनिक रिसेप्टर कहते हैं। इस निकोटीनिक रिसेप्टर का फंक्शन ये है कि जब हमारे साथ पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से एसिटाइल कोलीन रिलीज होके इस पे बाइंड हो जाती है, इससे अटैच हो जाती है, तो इस निकोटीनिक रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और इस एक्टिवेशन की वजह से अंदर एक केमिकल प्रोसेस हो जाता है, और इस केमिकल प्रोसेस का एंड ये होगा कि इसकी वजह से मसल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो अमल है वो शुरू होगा। तो मिसाल के तौर पर ये एसिटाइल कोलीन जो हम नॉर्मली हमारे बॉडी में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होता है, और ये निकोटीनिक रिसेप्टर पे एक्शन करके इस मसल्स के सेल्स में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो अमल है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर हमारे बॉडी में नर्वस डैमेज की वजह से अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस डैमेज हो गए, तो फिर इसे एसिटाइल कोलीन रिलीज नहीं होंगे, और इसकी वजह से ये निकोटीनिक रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, तो और रिजल्ट में कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस का जो कंडीशन है, जो डिजीज है, नॉर्मली इसके ट्रीटमेंट के लिए हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं न्यूस्टिग्मीन। न्यूस्टिग्मीन जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस निकोटी, जिस तरह हमने कहा कि मतलब एक रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो इस तरह जब ये निकोटीन रिसेप्टर, ये न्यूस्टिग्मीन जो केमिकल सब्सटेंस है हमारे पास,
जब ये इस रेगुलेटरी मॉलिक्यूल मतलब रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके इसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का अमल जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इट मींस न्यूस्टिग्मीन हमारे साथ एक केमिकल सब्सटेंस है और इसने हमारे बॉडी में एक्टिवेशन की काम की। तो हम फार्माकोलॉजी में इस तरह के सब्सटेंस को पढ़ेंगे, इसके इंडिकेशंस को पढ़ेंगे, इसके कंट्रा इंडिकेशंस, इसके जितनी भी साइड इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट्स है और ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस है, ये सब हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। अगर हम इनहिबिशन की बात करें तो नॉर्मली ऑपरेशन में हमारे लिए नॉर्मली ऑपरेशन में इस तरह होता है कि हमें मसल्स स्केलेटल मसल्स जो है इसको रिलैक्स करना पड़ता है, मतलब इसको रिलैक्स करना होता है। तो इसके लिए नॉर्मली हॉस्पिटल्स में एक इंजेक्शन इस्तेमाल होता है जो जिसका जेनेरिक जो नेम है वो है एट्राक्यूरियम। तो एट्राक्यूरियम जो है एट्राक्यूरियम का नॉर्मली काम ये है कि ये जब इस रिसेप्टर पे एक्शन करता है तो इस रिसेप्टर को ही इनहिबिट करता है, और जब निकोटिनिक रिसेप्टर इनहिबिट हो जाता है तो इस वजह से इस सेल में इस निकोटिनिक रिसेप्टर जिस सेल पे अटैच हुआ है इस सेल में वो केमिकल प्रोसेस नहीं होगा, और जब केमिकल प्रोसेस नहीं होगा तो इस वजह से वो कंट्रैक्शन जो है मसल में कंट्रैक्शन नहीं होगा और इस वजह से ये परमानेंटली रिलैक्स फॉर्म में जाएगा। तो नॉर्मली सर्जरी में हम एट्राक्यूरियम एज ए इनहिबिटरी केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं। तो हम फार्माकोलॉजी में एट्राक्यूरियम के इंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, कंट्रा इंडिकेशंस, इंटरेक्शन सब को पढ़ेंगे। अगर हम मेडिकल फार्माकोलॉजी की बात करें तो नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो मतलब हमारे बॉडी के सिस्टम पे एक्शन करता है और इसको इधर इनहिबिट करता है या एक्टिवेट करता है। लेकिन इस सब्सटेंसेस के बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस साइड इफेक्ट्स की वजह से हम नॉर्मली इसको डिजीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो मेडिकल फार्माकोलॉजी में हम ज़्यादातर ऐसे सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे जिनके इंडिकेशंस मतलब जिनके इम्पोर्टेंट इफेक्ट, जिनके पॉजिटिव इफेक्ट्स ज़्यादा है बनिस्बत नेगेटिव इफेक्ट्स के। तो हम मेडिकल फार्माकोलॉजी में इस तरह के सब्सटेंसेस पढ़ेंगे। तो मेडिकल फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो मेडिकल फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ द सब्सटेंस यूज्ड टू डायग्नोस, प्रिवेंट, कंट्रोल और ट्रीट अ डिजीज। मतलब मेडिकल फार्माकोलॉजी में हम ऐसे सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे जो एक डिजीज को हमारे साथ डायग्नोस करता है या इसकी प्रिवेंशन में इस्तेमाल होती है या इसकी इस डिजीज की कंट्रोल और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब मेडिकल फार्माकोलॉजी में हम ज़्यादातर ऐसे सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे जो डिजीजेस नॉर्मली डिजीजेस में इस्तेमाल होती है। डिजीज है क्या चीज़? डिजीज का मतलब है जब हमारे बॉडी के फंक्शन में, हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में चेंजेस आते हैं तो हम इसको डिजीज कहेंगे, और जब हम इस डिजीज के प्रिवेंशन, कंट्रोल या ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के लिए जब हम एक सब्सटेंस को इस्तेमाल करेंगे और जब इस डिजीज को ट्रीट करते हैं तो हम मेडिकल फार्माकोलॉजी में इस तरह के सब्सटेंसेस को पढ़ेंगे।